ये मैथ्स इज अ फन, गणित का जादू का ये पार्ट टू है, तो इसको आप बता करके अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम ऐसा बोलेंगे, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि कोई भी 3 डिजिट नंबर लीजिए, कोई भी नंबर 100 to 999, कोई भी नंबर लीजिए, जो भी नंबर वो ले, सपोज करिए कि उसने लिया 4 7 6, अब उसको कहिए कि इस इन डिजिट्स को इसी सीक्वेंस में दोबारा रिपीट करिए, तो वो 4 पहले लिखेगा, फिर 7 लिखेगा, फिर 6 लिखेगा, यानी नंबर आपका क्या हो गया, 4 7 6 4 7 6, 6 डिजिट नंबर बन गया। अब उससे कहिए कि इस नंबर को 11 से डिवाइड करिए, 11 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है, अब वो रिजल्ट हम देख लेते हैं कि 4 7 6 4 7 6 4 7 6 डिवाइडेड बाय 11, उस रिजल्ट को आप यहां लिख दीजिए कितना आया, 4 3 3 1 6, तो यहां पे वो कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेटर से कर सकता है या वैसे भी, तो 4 3 3 कितना आया, 1 6, 4 3 3 1 6। अब फ्रेंड्स उसको कहिए कि अब जो नंबर उसने फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर लिया था 4 7 6, जिसको आपने रिपीट किया है, तो उस नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 7 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद बताइए उसको कि अब हम विदाउट कैलकुलेशन के बताते हैं कि इसका नंबर आएगा, इसका आंसर आएगा 91। तो है ना फ्रेंड्स चौंकाने वाली बात, वो सोचेगा ये तो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार है, जबकि इसके पीछे एक ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से 4 7 6 4 7 6 डिवाइडेड बाय 11 किया, उसके बाद क्या आया, आंसर आया 4 3 3 1 6, उसके बाद आपने फर्स्ट 3 डिजिट से इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया 91। अब वो कहे कि एक आध और एग्जाम्पल बताइए, तो आप एक एग्जाम्पल और बता दीजिए कोई भी, सपोज करिए उससे बोला नंबर लेने के लिए और उसने नंबर लिया 987, फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर लिया 987, उससे कहिए इसको रिपीट कीजिए, तो उसने रिपीट किया 987, और फिर उसको डिवाइड किया 11 से, तो 11 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 987 डिवाइडेड बाय 11 करेगा तो आंसर आ जाएगा 89817, ठीक है फ्रेंड्स 817। अब इसको इस नंबर से फर्स्ट 3 डिजिट से जैसा इसमें किया था, तो 987 से इसको डिवाइड करने को बोलिए और इसका आंसर भी आएगा फ्रेंड्स 91, ठीक है। अब उसने कहा नहीं साहब एक और डिजिट लेता हूं मैं, तो एक और डिजिट उसने ली, मान लीजिए उसने डिजिट ली 538, उसको कहिए कि इसी डिजिट को इसी सीक्वेंस में रिपीट करिए 538, इसको 11 से डिवाइड कीजिए, तो इसको 11 से डिवाइड करेगा तो 538 डिवाइडेड बाय 11 करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 48958। अब उससे कहिए कि इसके फर्स्ट 3 डिजिट से इसको डिवाइड करिए 538 और इसका आंसर भी आएगा फ्रेंड्स 91। अब वो कहेगा ये तो भाई बहुत इंप्रेस आपने कर दिया, अच्छा से इंप्रेस कर दिया उसको, अच्छा खासा इंप्रेस कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि एक नंबर लीजिए 3 डिजिट का, उस नंबर को उसी सीक्वेंस में रिपीट करिए, उसको 11 से डिवाइड करिए और जो फर्स्ट 3 डिजिट लिए थे उससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हर हाल में 91 आएगा, ये तो उसने पता कर लिया अभी, ठीक है। अब वो कहेगा यार ऐसी इसी से मिलती जुलती कोई और भी ट्रिक बताइए, तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें इससे मिलती जुलती, मान लीजिए उससे कहिए कि एक नंबर लीजिए, कोई भी नंबर उसने लिया, सपोज करिए 476, अब उससे कहा कि इसको रिपीट करिए, तो उसने रिपीट किया 476। अब की बार आपने क्या किया कि 11 से डिवाइड ना करके और आपने कर दिया 13 से, तो 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 476 डिवाइडेड बाय 13 तो आंसर आएगा आपका फ्रेंड्स, आंसर आया 36652। अब देखिए 36652, अब उसी सीक्वेंस में जो फर्स्ट 3 डिजिट लिए थे उसने 476, उससे कहिए कि इससे इसको डिवाइड करें और अब आप आंसर बताएंगे उसको कितना, कि अब आंसर आएगा 77 फ्रेंड्स, अब आएगा आंसर 77। आप इसको देख सकते हैं, अगर आप इससे भी 13 को डिवाइड करेंगे इस नंबर को,
और इसी तरह से सेम लॉजिक से करेंगे तो इसका आंसर भी 77 आएगा। अगर इसको करेंगे तो वो भी 77 आएगा। कोई भी थ्री डिजिट नंबर ले लीजिए, उसको रिपीट करिए और 13 से अगर डिवाइड करके और जो थ्री डिजिट का नंबर फर्स्ट आपने लिया था उससे आप डिवाइड करेंगे, आंसर हर हाल में 77 आएगा। अब और भी इसके बाद में आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं अच्छे से। सपोज करिए कि वो कहता है यार एक आध चीज और बताओ, तो आपने क्या किया, आपने उससे बोला एक नंबर लिखिए कोई भी, फिर थ्री डिजिट का नंबर उससे लिखवाया 989, करेक्ट 989, इसको रिपीट कराया 989। अब की बार आपने क्या किया कि इसको 7 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड करने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 989 डिवाइडेड बाय 7 तो इज इक्वल टू आंसर आया 141427, कितना आया 141427। अब उससे कहिए कि इस नंबर से जो फर्स्ट थ्री डिजिट का नंबर लिया था आपने 989 से इसको डिवाइड करिए, तो 989 से जब डिवाइड करेगा तो आप उसमें पहले ही उसको आंसर बता देंगे कि इसका आंसर आएगा 143। और फ्रेंड्स इसमें भी कोई भी थ्री डिजिट नंबर आप ले लीजिए, उसको बाद उसी सीक्वेंस पर रिपीट कीजिए, उसको 7 से डिवाइड कीजिए और उसके बाद जो फर्स्ट थ्री डिजिट हैं उससे उसको डिवाइड कीजिए, हर हाल में आपका आंसर आएगा 143। तो ये हमने ट्रिक आपको बताई, इससे आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं। और इसमें एक्चुअली एक लॉजिक है, इसमें एक लॉजिक है और वो लॉजिक हम नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बताने जा रहे हैं। मतलब इसमें 7 से 11 से और 13 से डिवाइड करने पे, 7 से अगर डिवाइड करते हैं और नंबर जो थ्री डिजिट्स हैं फर्स्ट थ्री डिजिट्स, मतलब नंबर रिपीटिंग है इसमें 989 थ्री डिजिट्स हैं, उसके बाद अगेन थ्री डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो इसमें हम अगर 7 से डिवाइड करके और फर्स्ट थ्री डिजिट्स से डिवाइड करते हैं आंसर हर हाल में 143 आएगा। अगर थ्री डिजिट का नंबर है और उसी थ्री डिजिट को आगे आप रिपीट करते हैं और सिक्स डिजिट का नंबर बना लेते हैं, उसको 13 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद फर्स्ट थ्री डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे, हर हाल में आंसर आपका 77 आएगा। आप घर पे चेक कर सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल लेके। ठीक उसी तरह कोई भी थ्री डिजिट लीजिए और उसी सिक्वेंस में थ्री डिजिट को रिपीट करके सिक्स डिजिट नंबर बना लीजिए, उसको 11 से डिवाइड कीजिए और उसके बाद फर्स्ट थ्री डिजिट से उसको डिवाइड कीजिए, आंसर हर हाल में आएगा 91। अब ये कैसे आएगा इसके बारे में एक लॉजिक है, तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, उनको बताइए और अपना इंप्रेशन बनाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ कि ये कैसे आता है और उसके अलावा और भी कोई ट्रिक लाऊंगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।